हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से काम थे और फिर मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरा कल बहुत बड़ा दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। मैं जा रही हूँ, कल मेरा एक इंटरव्यू है, तो छोटा सा इंटरव्यू, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, और फिर मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है उसके लिए। बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कल देखती हूँ। और क्या ही बोलूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कल क्या चीज़ है, किस चीज़ के इंटरव्यू है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। और फिर मैं कल मिलती हूँ आप लोग से। बाय बाय, गुड नाइट। मैं रेडी हो गई हूँ, कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक इंटरव्यू है, उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और मुझे पापा भी रेडी हो गए हैं, और ये रहा मेरा भाई मंगरा, जो कि अभी अभी आया है। और फिर पापा रेडी, मैं निकल गई हूँ, पापा मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा मेरा फेस वाइट दिख रहा है, क्योंकि अभी धूप पड़ रहा है फेस पे, इसलिए आप लोग प्रे करना कि मेरा लग जाए जिसमें भी मैं जा रही हूँ, प्लीज़। उसके बाद मैं आपको कन्फर्म बताऊँगी कि मैं किस चीज़ का इंटरव्यू दे, प्लीज़ प्रे करना मेरे लिए। मैं अपनी लोकेशन में पहुँच गई हूँ, बस मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आती है। वैसे मैं जाती हूँ बिल्डिंग के अंदर और अपना इंटरव्यू दे के आती हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोग इंटरव्यू के बाद। अपनी दोस्त के साथ फाइनली बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, लगभग एक साल ना। मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, मुझे बहुत ख़राब लगा। और फिर अभी गई थी मैं अपना इंस्टीट्यूट से, फिर जाके मैं आके अभी तुरंत जस्ट घुसी हूँ घर, और फिर दीदी रख से बात कर रही थी। मंगरा आए, कितना सुना सुना दिख रहा है बेटे, तुम तो मेरे जैसा दिख रहा है। ये येलो है ना मम्मी, मम्मी येलो येलो, इसलिए। तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने, क्योंकि मैं सुबह में खा के गई नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि टाइम ओवर हो चुके, 12 बज के पार हो गया है। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, मैं दिखाती हूँ। तो ये दाल चावल आलू का भुजिया और सेम आलू का सब्जी। तो सो के उठ गई हूँ, क्योंकि मैं सो गई थी खाना खाने के बाद, और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। तो अभी बज गए हैं वही 3। तो फिर मुझे ना मैगी खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैगी बना लूँ और खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मैगी खाने का। और फिर मैंने पूरा मेकअप रिमूव करके ही सोया था, क्योंकि बाहर से आई थी, डस्ट वगैरह थे मेरे फेस पे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मेकअप रिमूव करके ही सो जाती हूँ, तो वह बेटर रहेगा। फिर मैंने खाना वाना खाया, फिर सो गई थी। फिर मैं अभी जाती हूँ थोड़ी सी मैगी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा जिम टाइमिंग हो जाएगा, तो जिम टाइम मुझे जाना पड़ेगा 4:30-5 मिनट लगभग। तो फिर मैं जाती हूँ, और मम्मी का नाज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा उनको बोलूँगी नहीं कुछ भी करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही जाके मैगी बना लूँ और खा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए। मम्मी मैगी खाएगी? मम्मी का बहुत तबीयत खराब है उनका, तो मैं सोच रही हूँ मैगी बनाती, थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊँगी तो उनको भी अच्छा लगा था खाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ बना दूँ, तो मैं जल्दी से प्याज व्याज काट के मिर्च वर्च काट के फिर मिलती हूँ। Thank you.
पर मैगी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ और फिर कढ़ाई को इस तरफ गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं मैगी को इस तरह बॉईल करके उसके बाद फिर मैगी को डालती हूँ जो मसाले होते हैं उसमें। मुझे वैसे ही पसंद आ रहे हैं क्योंकि मुझे डायरेक्टली ऐसे पसंद करने बहुत टाइम लगता है मुझे, इसलिए मैं पहले ही मैगी को बॉईल कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है, कढ़ाई ये भी हो ही रही है गर्म। इसके बाद मैंने मिर्चा और प्याज काट के रखा हुआ है, मैं डालूंगी इसमें और फिर टमाटर वगैरह सब मिला के। मैगी डालेंगे, मेरी मैगी हो गई, मैं इसी तरह से बॉइल करके फिर अभी प्याज में डालूंगी। तो फिर मैं अभी यहाँ पे टमाटर दे रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर को धो के ही काटा था, बिना धोए मैंने काट दिया टमाटर, तो मैंने धो के ही काटा था।